एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस स्टॉक में भी आज ऊपर से कुछ रिवर्सल्स देखने को मिले हैं, और रिवर्सल एज सच अगर आप नोटिस करो तो ट्रेंड लाइन का रिवर्सल था ये। यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये पुरानी ट्रेंड लाइन आ रही है और उसी का ये रिवर्सल था। नीचे भी वही ऐसी ट्रेंड लाइन चल रही है, उसी के साथ स्टॉक नीचे से ऊपर गया था और एक बुलिश मोमेंटम कैप्चर हुआ और अच्छा निकल गया था स्टॉक। आप अगर नोटिस करो यहाँ से तो फिर ऑलमोस्ट 8 दिन में स्टॉक ने एक बुलिश मोमेंटम कैप्चर किया है, और 8 से 11 दिन में स्टॉक ने 20% की रिटर्न्स तो ऑलरेडी बुक कर ही दिए हैं। तो रिटर्न्स बहुत सही हैं स्टॉक में। फिलहाल एक छोटा सा पुलबैक है और प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और अभी के लिए अगर आप नोटिस करो तो हाल ही में आपको यहाँ पे नोटिस आया होगा कि कोई ये बाइंग का लेवल्स बन रहा है, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शंस काफ़ी देर सॉरी ऊपर के लिए रिवर्सल्स मिल जाते हैं देखने के लिए। यहीं बायर्स एक्टिव होते हैं और ऊपर वाले इस लेवल पे आप देखोगे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ जैसे ही स्टॉक पहुँचता है रिवर्सल्स आने लगते हैं नीचे के लिए। तो ये दो जोन में चल रहा है स्टॉक, और जब तक ये स्टॉक ऐसे ही जोन में रहने वाला है तब तक तो सही रहेगा, और अगर ये लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक होता है तो फिर आप फर्दर नोटिस कर सकते हो कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक कुछ आपको नीचे की दिशा निर्धारित हो जाएगी। यहाँ कहीं तक स्टॉक आपका आ सकता है ये लेवल तक। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नोटिस करोगे तो इंडिया बुल ऐसे ही चल रहा है ये वाला स्टॉक। यहाँ से आप सडन देखो एक राइज गया, फिर सडन ड्रॉप आता है, राइज हुआ सडन ड्रॉप, राइज सडन ड्रॉप। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जिस हिसाब से सडन राइज हुआ है तो एक सडन ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल टूटता है तो यहाँ अगर स्टॉक आ जाता है 74 तो आप सोच लीजिए कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं कि स्टॉक रिवर्सल दे रहा है। नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पे नोटिस करना होगा कि ये जैसे ही 80 रुपीज़ के अराउंड या इवन 82 के आसपास सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, और फिर आपके जो कुछ लेवल्स होंगे वो यहाँ के निकल के आएंगे। 84 का कुछ टारगेट रहेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 84 का ये टारगेट रहेगा। एक फर्दर इसके बाद और ऊपर जाओगे तो फिर आपके ये कुछ टारगेट रहेंगे 87 के। ऐसे ही स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चलेगा, उसके लिए स्टॉक को ये ट्रेंड लाइन का सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ही क्लोजिंग होगी अगर डेली टीएफ है तब एक बुलिश मोमेंटम कैप्चर होगा। फिलहाल के लिए अगर कहें तो नीचे तो एज ए नहीं देख रहा है को मिलेगा स्टॉक, क्योंकि ईएमए क्रॉस ने एक बुलिश मोमेंटम बना रखा है और यहाँ बायर्स का जोन बहुत एक्टिव है। तो जब तक बायर्स का जोन एक्टिव है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम अच्छा मिल जाएगा। फॉल करेगा तो ईएमए पे सपोर्ट लेगा, तब ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। ये वाला तभी मिलेगा जब ईएमए पे सपोर्ट होगा। नहीं होता है तो ये फॉल लेवल आपको नहीं दिखेगा, इवन बुलिश मोमेंटम पे ही स्टॉक रहेगा। 87 के टारगेट्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे, और साइकोलॉजिकली देख लें तो 90 के ही मिलेंगे। तो होपफुली आपको मैंने दोनों ही साइड के बता दिए कि स्टॉक कैसे चल सकता है, किस दिशा में मूव कर सकता है। ये लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक नीचे फॉल ज़्यादा कर सकता है, और ऊपर का ये लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक ऊपर यहाँ तक के टारगेट दिखाएगा। दोनों ही चीज़ें आपको बता दी हैं, उसी हिसाब से अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए। वो इसलिए क्योंकि सडन फॉल आता है इस स्टॉक में। यहाँ देखोगे नोटिस करो तो एक अच्छा खासा राइज देखेगा और सडन फॉल, राइज देन सडन फॉल। तो आपको ये थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा इस स्टॉक में, बिकॉज ऑपरेटर ड्रिवन थोड़ा ज़्यादा है, प्राइस भी थोड़ा कम है स्टॉक का, इसीलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।